यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना हजारों स्टूडेंट का और 32 फीस का नई लिस्ट जारी किया गया है। वितरण डेट भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा कैसे डाउनलोड करेंगे सारी अपडेट इस वीडियो में होने वाली है। उससे पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी ज़िले से, किसी भी कॉलेज से कोई भी कोर्स यूजी पीजी या फिर कोई अदर कोर्स कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना की अपडेट कंटिन्यू मिलती रहेगी, जिससे कि आप लगातार अपडेटेड रहेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको टैबलेट स्मार्टफोन योजना की लिस्ट, नोटिस, अपडेट, वितरण संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं, क्योंकि चैनल प्राइवेट है, सिर्फ आप लिंक से जुड़ सकते हैं। तो जो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेते हैं लेटेस्ट अपडेट। तो आपके सामने वो नोटिस है और यहाँ पर एक आवश्यक सूचना है, पहले उसको ध्यान से समझ लेंगे कि महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत शासन द्वारा प्रदान दिए जाने वाले टैबलेट के वितरण का कार्यक्रम एवं लाभार्थियों की सूची, इन्होंने स्पष्ट रूप से इसमें इस लाइन में यही है कि जो बच्चे पीजी में हैं, जो कि पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है, या फिर जो पास हो चुके हैं तो उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है कि टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना किया जाना है, जो कि स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण के तहत होता है, ये आपको पता होगा, उसके बारे में उन्होंने बताया। और छात्र छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि अपना नाम देख लें, एक लिस्ट है, वो लिस्ट कैसे डाउनलोड करना ये भी मैं बता दूंगा, तथा वितरण कार्यक्रम के अनुसार व्यक्तिगत रूप से, इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि देखिए लिस्ट जो है पहले उसमें अपना नाम चेक कर लीजिए कि आपका नाम है भी या नहीं है। अगर नाम है तो आपको स्वयं जाना पड़ेगा, ना कि आपके अभिभावक जाएंगे या आपकी तरफ से कोई और जाएगा, आप जाएंगे तो ही मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए लाभार्थी अपने अंतिम वर्ष के प्रवेश शुल्क रसीद, कॉलेज आईडी कार्ड तथा आधार कार्ड अवश्य लाएं। तो जो चीज़ें लेकर आपको जानी है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपका लास्ट ईयर का जो है वो प्रवेश शुल्क होना चाहिए, प्रवेश शुल्क का जो रसीद है वो होना चाहिए, और इसके अलावा आपका आईडी कार्ड और तथा आधार कार्ड होना आवश्यक है, तभी वितरण होगा। और जिनको उक्त योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन टैबलेट प्राप्त हो चुका है वे पुनः स्मार्टफोन टैबलेट पाने के लिए योग्य नहीं हैं। यदि छात्र छात्राओं द्वारा दो बार स्मार्टफोन टैबलेट प्राप्त किया जाता है तो शासन प्रशासन द्वारा की जाने वाली, देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अगर आप एक बार या तो स्मार्टफोन पा गए हैं या फिर टैबलेट पा गए हैं तो आप दोबारा मत लीजिए, अदरवाइज जब शासन की तरफ से कार्रवाई होगा तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ऐसा होता है कि जब आप बीए फाइनल ईयर में थे तब ये आपको बीए फाइनल वाला स्मार्टफोन मिल गया, फिर जब एमएए हुआ तो एमएए में आपको टैबलेट वाले में आ गया आपका नाम। तो ये चीज़ें आपको बच के रहना है, क्योंकि देखिए आधार कार्ड उसमें लगा है तो आधार कार्ड से आपका डाटा पकड़ा जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ऐसा काम ना करें। अगर एक बार पा चुके हैं तो दोबारा ना लें, यही स्पष्ट रूप से बताया कि अगर लेते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। बात करेंगे, देखिए ये मैं अब लिस्ट की बात करूंगा आगे, और डाउनलोड कैसे करना वो बताऊंगा। तो यहाँ पर जो लिस्ट है वो अब आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक तरफ इनरोलमेंट नंबर स्टूडेंट का दिया है, स्टूडेंट नेम दिया है, फादर नेम दिया है, कोर्स दिया है, सब्जेक्ट दिया है, और कब ये बांटेंगे वो डेट और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर एक बच्चे का है तो ये आप देख सकते हैं, और ये मैं बता दूँ सिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ का ये लिस्ट है, ठीक है। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सॉरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें, जुड़ जाएं। क्योंकि अगर आपके कॉलेज का ये लिस्ट नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आने वाली अभी काफ़ी अपडेट्स हैं जो आपको मिलती रहेंगी टैबलेट स्मार्टफोन की, और आपके कॉलेज की भी लिस्ट वगैरह टेलीग्राम पर दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बस लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए एक बच्चे का है, उसका इनरोलमेंट नंबर है, फिर उसका नाम है, उसके पिताजी का नाम है,
वो कोर्स कौन सा कर रहा है वो है, और सब्जेक्ट कौन सा, और इसका डेट भी दिया गया है कि देखिए 21 तारीख को जून में ही 11 बजे सुबह ये वितरण किया जाएगा। तो इस बच्चे को अपना जो आईडी कार्ड वगैरह है, फीस रसीद है, आधार कार्ड है, उसको लेकर के जाना पड़ेगा, तभी इसको वितरण किया जाएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं उन छात्रों की जिनको कि अभी तक वितरण नहीं हुआ है। तो अगर आप उन छात्रों में हैं, जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं कि अभी आपको टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिला है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि शासन की तरफ से आदेश हो चुका है कि जो टैबलेट स्मार्टफोन बचे थे, बीच में जानते हैं आप चुनाव आ गया था, इस वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, अब चुनाव बीत चुका है तो फिर से टैबलेट स्मार्टफोन जो है वो रफ्तार पकड़ेगी और तेज़ तरीके से वितरण कराया जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे इसमें आपका आजमगढ़ हो गया, आजमगढ़ में कंटिन्यू वितरण चल रहा है और इसकी अपडेट हमने आपको दिया था। गाजीपुर हो गया, गाजीपुर में वितरण स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा आप गाजियाबाद के हैं तो वहाँ पर टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण कराया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में तेज तरीके से स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण हो रहा है। ये आप समझिए बातों को कि 4-5 जिलों की जो अपडेट है, तेज तरीके से वहाँ पर स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण कंटिन्यू कराया जा रहा है। हाँ, एक अच्छी चीज़ ये भी है कि पिछले कुछ समय में जो था टैबलेट का कार्यक्रम रोका गया था, टैबलेट वाले बच्चे नहीं पा रहे थे, यानी कि जो पीजी में थे, जैसे कि आप एमएससी एम काम कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा वगैरह के बच्चे हैं, तो आपके लिए टैबलेट जो है वो रोका गया था। लेकिन फ़िलहाल में ये अच्छी खबर आपके लिए है कि अब टैबलेट का वितरण जो है वो भी शुरू हो चुका है, तो सभी स्टूडेंट को टैबलेट भी अब मिलना शुरू हो चुका है। अम्बेडकर नगर में टैबलेट का भी वितरण हुआ, ये जो अपडेट थी यहाँ भी टैबलेट का ही वितरण होने वाला है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि जब भी कोई टैबलेट स्मार्टफोन योजना की लेटेस्ट अपडेट आए तो आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाए और आप अपने कॉलेज से जा करके उसको प्राप्त कर पाएँ। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि आप लोग चैनल से तो जुड़े ही रहें, सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम से भी जुड़े रहें और अपने कॉलेज से भी थोड़ा कांटेक्ट बनाए रखें, क्योंकि कहीं भी किसी भी कॉलेज में टैबलेट स्मार्टफोन कभी भी वितरण किया जा सकता है, क्योंकि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया जो है इसको तेज़ गति दी जाएगी और चुनाव के बाद से लगातार वितरण हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया 4-5 जिलों में वितरण हो रहा है। तो देखिए, इस लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे आप सभी लोग, वहाँ पर लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करके दोनों टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। कहीं पर भी आपको PDF ये पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप इसको देख पाएंगे। शेष आने वाले स्टूडेंट का जिनका अभी नाम नहीं आया है या नहीं वितरण हुआ है, तो परेशान नहीं हो, आपका भी नंबर जल्द लगेगा, बस थोड़ा सा वेट करते रहिए, क्योंकि बहुत से कॉलेज हैं, बहुत से बच्चे हैं और सरकार की तरफ से लगातार ये वितरण कराया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए चैनल।